तो भाई साहब, ये कहानी है गोवा की, नॉर्थ वाले गोवा की। चीजें चेक कर ली जा रही है अभी। तो भाई, साउथ गोवा टू नॉर्थ गोवा वैसे 1.5 घंटे की जर्नी है, पर हम आपको पहुंचाने वाले 30 सेकंड्स में। जी हाँ, सिर्फ 30 सेकंड्स में हम पहुंच जाएंगे इन द हार्ट ऑफ गोवा। ये देखो, ये पूरा ऐसा लग रहा है हम लोग आए हैं कोई हिल स्टेशन। तो फाइनली हम आ गए नॉर्थ गोवा। रास्तों पे लोग दिखना शुरू हो गए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा साउथ गोवा में इसके मुकाबले काफ़ी कम लोग थे। यहाँ पे हमने 1 वीक के लिए एक अपार्टमेंट बुक किया है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो नॉर्थ गोवा में आ गए और जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे उसके गेट के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। मैं क्विकली आपको मेरा रूम भी दिखा देता हूँ। दिस इज द प्लेस। ये पूरा घर है, ये हॉल है, इधर एक रूम है, ये किचन एरिया है और ये साइड में एक दूसरा बेडरूम, अलमारी भी है साथ में और एक टॉयलेट। अच्छा प्लेस है, रेंट भी काफ़ी डिसेंट ही था, हमने 1 वीक के लिए तो बुक कर लिया है। तो अभी हम फटाफट रेडी होके निकलने वाले हैं। कहाँ पे जा रहे हैं अपन? देवार आइलैंड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वो भी दिखाते हैं। फिर फ्रेश होके बाकियों के लिए स्कूटर्स रेंट पे लेके हम लोग निकल पड़े देवार आइलैंड की ओर, जो मांडवी रिवर पे है। देवार आइलैंड के लिए हमने अटल ब्रिज यानी के अटल सेतु वाले सर्कल से लिया राइट और इस रिवर साइड रोड का आनंद लेते हुए हम पहुंचे आज के अपने फेरी स्टैंड पे, जो हमें देवार आइलैंड लेके जाएगा। वैसे ये मेरा फर्स्ट ही टाइम था ऐसे फेरी में अपनी बाइक लेके, थोड़ा एक्साइटेड तो था ही। तो हम लोग का फेरी अभी अभी शुरू हुआ है और अभी हम जा रहे हैं देवार आइलैंड की तरफ। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि अपना नाइट फ्यूरी भी अपने साथ इस बार ट्रैवल कर रहा है, तो मज़ा आ रहा है। वेलकम टू दीवार आइलैंड। और हाँ, ये फेरी राइड का हमें 1 रुपया भी नहीं लगा। यस, इट वॉज लिटरली फ्री। फेरी स्टैंड से पैडेड गांव का रास्ता काफी सीनिक है। यहाँ पे हिल टॉप पे एक चर्च है, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ कंपैशन।
जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन कोविड के चलते बंद था तो हम अंदर नहीं जा सके। दिस इज़ रियली नाइस। अच्छा, इतना पुराना? यहाँ के घरों के आर्किटेक्चर काफ़ी अलग है। आप यहाँ पे वेल मेंटेन्ड पोर्तुगीज विलास भी देख सकते हो, और घरों का कलर स्कीम तो भाई काफ़ी ब्राइट है, जो देखने में काफ़ी सही लगता है। और यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े अपने फेरी स्टैंड के पास वापस जाने के लिए। अगर आपको ये फेरी वाला एक्सपीरियंस यहाँ के पोर्तुगीज विलास देखने हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो अभी हम देवार आइलैंड से निकल चुके हैं वापस, या फिर निकलने वाले हैं वापस, क्योंकि अभी हम फेरी स्टैंड पे और वो अपनी फेरी आ रही है। तो वो जैसे ही आती है अपन बैठते हैं गाड़ी पे और जाते हैं। पलटा के लगा देते हैं। एक्सपीरियंस फाइनली अपनी फेरी पहुंच गई स्टैंड पे और हमने फेरी से उतर। दीवार आइलैंड से निकलते निकलते दोपहर हो गई थी, भूख भी काफ़ी लग चुकी थी और हमें खाना था कुछ नॉर्थ इंडियन खाना, क्योंकि गोवन फूड भाई जचा नहीं अपने। तो इतना सारा घूमने के बाद भूख काफ़ी लगी थी और गोवन फूड का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे को पसंद नहीं है। तो फाइनली एक जगह मिली, होटल सपना। इनिशियली ऐसा लगा कि ठीक ठाक खाना रहेगा, बट जैसे जैसे खाना आता गया और हम खाते गए, बिलीव मी इट वाज रियली गुड, पूरा पूरा वर्थ था। तो भाई अगर आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो ये है पंजी एरिया में, पट्टो करके एक एरिया है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये। सच में सही था। फिर खाना खाने के बाद भाई हम निकल पड़े एक सस्पेंस लोकेशन के लिए, जो इस होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर है। अब सस्पेंस क्यों? क्योंकि जाते वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस दोस्त बोल रहे थे कि एक अच्छी जगह है वहाँ पे चलते हैं, तो भाई मैं भी निकल गया। तो यह है फाउंटेन स्ट्रीट, द मोस्ट सीनिक स्ट्रीट इन गोवा। One of the beautiful roads of Goa. भाई साहब यहाँ की बात ही कुछ और है। हर एक घर जैसे मास्टरपीस, पूरा पिक्चर परफेक्ट माहौल था वहाँ पे। यहाँ पे एक चर्च भी है जो हमारे नसीब से खुला हुआ मिला। And we witness a prayer there. और प्रेयर खत्म होते ही चर्च तुरंत बंद हो गया। फिर थोड़े फोटोज लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और अंधेरा होते होते निकल गए अपने स्टे की तरफ। सो दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपने ये जगहों पे पहले विजिट किया है क्या, या फिर करना चाहोगे क्या, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि भाई अभी नॉर्थ गोवा तो सिर्फ शुरू हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।